Hi all, welcome back to the final exam series of 10 plus 2. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है DBA and roles of DBA. This topic is from chapter number 5 and इससे पहले हमने chapter number 5 से ही चार अलग अलग important topics जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. आज चैप्टर नंबर 5 से ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डीबीए एंड रोल्स ऑफ डीबीए. मैं आशा करता हूं कि इससे पहले पढ़ाए गए चार टॉपिक्स जो हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ आ चुके होंगे और आप उनको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं. तो चलिए आज डीबीए एंड रोल्स ऑफ डीबीए के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है या जिसको हम मोस्टली डीबीए के नाम से जानते हैं वो कौन है और उसका क्या रोल है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में और वो क्या क्या काम करता है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ही इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स जो डीबीए उसका क्या काम है वो क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डीबीएमएस को कंट्रोल करता है मेंटेन करता है एंड ऑपरेट करता है. डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट में चलते हैं उन सभी ऑपरेशंस की कंट्रोलिंग और मेंटेनेंस जो है वो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड इंचार्ज ऑफ ऑथोराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस. और क्या करते हैं वो लोग, जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या डेटाबेस में जो डेटा है उस पे यू नो एक्सेस ऑथोराइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है. और क्या करते हैं वो लोग, प्लानिंग इंस्टॉलेशन एंड मॉनिटरिंग. जितना भी डेटाबेस में काम चलता है उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग एंड गैदरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर डेटाबेसिस. अब डेटाबेसिस को जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी डेटाबेसिस में हार्डवेयर यूज होगा उसको इकट्ठा करना, उसको एक्वायर करना, उसकी सिलेक्शन करना, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ की फंक्शन इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए, जब हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंट्रोल भी करता है, मेंटेन भी करता है, ऑपरेट भी करता है, यू नो ऑथोराइजिंग एक्सेस भी करता है, प्लानिंग भी करता है, इंस्टॉलेशन भी करता है, मॉनिटरिंग भी करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी गैदर करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या कहीं भी जहां पे भी डेटाबेस काम कर रहा है वहां पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक की फंक्शन बन जाता है. Because they are overall in charge of the database system. ये मतलब bottom line में हम ये बोल सकते हैं कि database administrator जो है वो overall in charge होता है किसका, database system का. अब चलिए इसकी roles and duties को अच्छे तरीके से एक बार discuss कर लेते हैं one by one. तो सबसे पहले database administrator का क्या काम है, he decides hardware. कौन सा hardware लगेगा, ठीक है, हार्डवेयर की कॉस्ट क्या रहेगी, हार्डवेयर की परफॉर्मेंस किस बेस पे हार्डवेयर को हमने सेलेक्ट करना है, हार्डवेयर की एफिशिएंसी, यू नो, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट सूटेबल यू नो हार्डवेयर रहेगा डेटाबेस के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उस हार्डवेयर को चूज करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटी है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है. तो क्या करता है वो, हार्डवेयर को डिसाइड करता है. फिर क्या करता है, मैनेज डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी. डेटा की इंटेग्रिटी और डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज करता है. हमने पहले ही देख लिया कि डेटा की सिक्योरिटी में वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है किससे, अनऑथोराइज्ड यूज से, कि कोई उसको अनऑथोराइज्ड यूज ना करे. ठीक है, तो डीबीए जो है वो अनऑथोराइजेशन को कैसे कंट्रोल करता है, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स टू एवरी यूजर ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, देन डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस प्रोवाइड करना, ये भी उसकी ड्यूटी है. बाय गिविंग परमिशंस, यू नो, बाय गिविंग परमिशंस टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की परमिशंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर्स को.
कुछ यूजर्स को सिर्फ रीड ओनली परमिशन होती है, कुछ यूजर्स को राइटिंग की परमिशन भी होती है डेटाबेस में, कुछ यूजर्स को अपडेशन की परमिशन होती है, मॉडिफिकेशन की परमिशन होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की परमिशंस जो प्रोवाइड करना, ये भी एक ड्यूटी और एक रोल है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। इसको बोलते हैं डेटाबेस एक्सेस प्रोवाइड करना। देन वी हैव डेटाबेस डिजाइनिंग, डेटाबेस की डिजाइनिंग, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल, देन फिजिकल एंड एक्सटर्नल मॉडल डिजाइन एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। तो मैंने जब आपको थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बताया था कि डेटाबेस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा को जो डिफाइन करता है वो कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। चाहे वो लॉजिकल डिजाइन है, चाहे फिजिकल डिजाइन है डेटाबेस का, चाहे एक्सटर्नल मॉडल डिजाइन है, उसकी इंटेग्रिटी है, उसका सिक्योरिटी कंट्रोल है, ये सारा का सारा काम जो है वो कौन देखता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देन वी हैव डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन। डेटाबेस जब कहीं इंप्लीमेंट करना होता है तो उसकी लोडिंग को, ठीक है, चेक करना और उसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। वो चेक करता है कि लोडिंग जो है डेटाबेस की वो प्रॉपर ढंग से हो और प्रॉपर ढंग से डेटाबेस जो है वो क्या हो, इंप्लीमेंट हो। देन मॉनिटरिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, डेटाबेस किस ढंग से काम कर रहा है, डेटाबेस की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये भी काम देखना किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अब इफ द यूजर इज नॉट एबल टू गेट डेटा फास्टली एंड एक्यूरेटली, मान लो यूजर को डेटा जल्दी नहीं मिल रहा है, एक्यूरेट डेटा नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपना अगर काम ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यूजर्स को डेटा ही नहीं मिलेगा। तो क्या करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स को यूज करके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? परफॉर्मेंस को एनहांस करता है डेटाबेस की, सो दैट कि डेटाबेस का में से यूजर को डेटा जल्दी मिले और एक्यूरेटली मिले, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, वी विल डिस्कस क्विकली सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने पहले डिस्कस कर ली। डिजाइनिंग ओवरऑल डेटाबेस स्कीमा, मतलब ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, जिसमें डिजाइनिंग ऑफ द टेबल्स, डिजाइनिंग ऑफ द फील्ड्स, डिजाइनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स जो है वो ये सारे आ जाएंगे आपके। देन सेलेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अच्छा सॉफ्टवेयर और अच्छा हार्डवेयर जो है वो सेलेक्ट करना और उसको इंस्टॉल करना, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन डिजाइनिंग द एक्सेस मेथड एंड डेटा स्टोरेज, ऑलरेडी डिस्कस, एक्सेस मेथड को डिफाइन करता है डेटा कैसे स्टोर होगा उसको कंट्रोल करता है। देन सेलेक्शन ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा यूज करना है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ओरेकल यूज करना है, एसक्यूएल सर्वर यूज करना है या माई एसक्यूएल यूज करनी है, इसकी सिलेक्शन भी कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे के सारे, ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। देन ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग वेरियस मेथड्स फॉर मॉनिटरिंग द डेटाबेस परफॉर्मेंस। लास्ट पॉइंट हमने किया पिछली स्लाइड में कि ये मॉनिटरिंग करता है कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो टॉप लेवल की हो, अगर नहीं है तो उसके लिए फिर ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एसक्यूएल कमांड्स का यूज करता है। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन द डेटाबेस, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं डेटाबेस में चाहे वो किसी भी टाइप का है, उन सभी ऑपरेशंस की मैनेजमेंट करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि लिंक्ड है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोजीशन है, वो जो डेजिग्नेशन है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है इन मैनेजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पता लग चुकी होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और
मैं यही कहूंगा कि आपको इन लेक्चर्स से रिलेटेड अगर कोई भी फीडबैक देनी है तो वो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट मैं आने वाले लेक्चर्स में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और मैं यही बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं होप कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको समझ आ रही हैं और रिविजन करने में आपकी ये पूरी की पूरी हेल्प कर रहे होंगे। अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी फिट, बी हेल्दी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड या रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू।